बरेली से है, जहां एक शिक्षक अरविंद यादव केंद्रीय विद्यालय संगठन शिवगढ़ में बतौर सोशल स्टडीज के अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। अरविंद यादव जन्म से ही देख नहीं पाते हैं, फिर भी उन्होंने इस दिव्यांगता को अपने लक्ष्य में रोड़ा नहीं बनने दिया। पढ़ाई के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने इस लक्ष्य को पूरा कर आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बता दें कि अरविंद यादव ने आगरा शहर से लेकर DU तक का सफर तय किया। यहाँ पर मैं TGT SST पर कार्यरत हूँ। सर, आप डिसेबल हैं, आंखों से देख नहीं सकते, बचपन से ये दिक्कत है या फिर बीच में कोई ऐसी घटना घटित हुई? ये बचपन से प्रॉब्लम है। तो सर, आप पढ़ाई कैसे किए, कहाँ तक पढ़ाई कैसे किए, इतना संघर्ष किए? बेसिकली जो मेरी शुरुआत हुई है पढ़ाई की, वो 12th क्लास तक आगरा में हुई है, और जो हमारी स्नातक और स्नातक उत्तर की जो पढ़ाई है वो हमारी दिल्ली से हुई है। तो उसके बाद सर, यहाँ टीचिंग का मन में कैसे आइडिया आया? आप नेत्रहीन थे तो कैसे लगा कि बच्चों को पढ़ाएं? टीचिंग करना मेरा शुरू से ही था, मैं कि टीचर मैं बनूं और बच्चों के लिए कुछ करूं, अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ योगदान करूं, और मेरा शुरू से ही टीचर बनने का ही सपना था, तो आज मैं उस मुकाम पर पहुंचा हूं। नहीं, सामान्य शिक्षकों की तरह सर हमें पढ़ाते हैं। जिस तरह सर का पढ़ाने का तरीका है वो हम लोग बहुत पसंद आता है, क्योंकि सर हम लोगों को मतलब हर टॉपिक को अच्छे समझाते हैं, किस तरह मतलब क्या हमारे समाज में किस तरह कैसी चीजें होती हैं सब हम समझाते हैं। क्या सीखने को मिल रहा है इनसे? हम लोगों को सर से ये सीखने को मिल रहा है कि मतलब अगर हम हमारे अंदर मतलब इसे कोई दिक्कतें हैं तो हमें उनसे हार नहीं मानना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए।